हरियाणा के जमुनानगर में आज नगर निगम के बाहर भारतीय किसान यूनियन की शहरी इकाई द्वारा प्रॉपर्टी आईडी सर्वे सैनिटेशन व एसडीसी पोर्टल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम के गेट के सामने भारतीय किसान यूनियन के सदस्य व जिला इकाई ने नगर निगम मेयर मदान के खिलाफ नारेबाजी की, तो वही निगम के बाहर मदन चौहान का अनोखा बैनर भी लगाया गया। सदस्यों ने कहा कि आज नगर निगम नरक निगम बन गया है। भाई साहब, नगर निगम के जो भ्रष्टाचार है वो सबको पता है, लेकिन आवाज नहीं उठाई जा रही थी। अब जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, उसने एक शहरी इकाई का गठन किया है। उस शहरी इकाई के जितने सदस्य हैं, साथ साथ भारतीय किसान यूनियन अब यहाँ प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जिस चीज के लिए पार्षदों को और मेयर को चुन के भेजा गया था वो काम नहीं हो पाए। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है। जो सरकार कहती है ना कि हम किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, उसका अर्थ यह है कि हम किसी और को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, अकेले हम करेंगे, वही हो रहा है। प्रॉपर्टी सर्वे से लेकर सफाई से लेकर बिल्डिंग प्लान से लेकर हर जगह इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। सुनवाइयां होती नहीं है, दो दो साल से लोगों की शिकायतें पेंडिंग है, ना कमिश्नर सुनते हैं, ना ज्वाइंट कमिश्नर सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता है। ये बारे में खुलासा हुआ हमारे दोस्त चिराग सिंगल ने, हमारे साथी ने जो डॉक्यूमेंट निकाले हैं उनके हिसाब से ये जो याशी कंपनी है ये राजस्थान बेस्ड है, इनका ऑफिस हरियाणा उसमें गुजरात गुड़गांव में भी है। तो जो तथ्य सामने निकल के आए हैं वो ये था कि सारे नगर निकायों ने इनको एनओसी दे दी, जबकि 50% से ऊपर जो प्रॉपर्टी आईडीज हैं वो गलत हैं। जब तथ्यों को और देखा गया तो ये पता लगा कि सोनीपत बेस्ड जो है, पहले भी नगर निकाय में मंत्री जा चुके हैं, उनके कहीं दूर के रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से उनको टेंडर दिया गया। और जो निदेशक कार्यालय है पंचकुला में डीएलबी का, उनको शिकायत की गई इस बारे में, तो उन्होंने अनऑफिशियली हमें ये बताया भी हमारे हाथ खड़े हैं जी, हमें ये लिखा गया है, हमें कहा गया है कि यासी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। ताले चाबी भी हाथ में लेकर प्रदर्शन, ताले चाबी ये संकेत है कि जब इन लोगों ने काम ही नहीं करना तो बंद कर दो भाई, और तो कोई हल नहीं ना इस चीज का। काम ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन लोगों ने एक नेक्सस बना रखा है। यहाँ पे एक एससी है, चार पोस्ट, तीन पोस्ट जो है वो एक्सियन की सेंक्शन है और छह पोस्ट एमई की है, लेकिन यहाँ पे एक ही एससी है, एक ही एक्सियन है और चार एमई है। तो उस ऑफिस में जहाँ स्टाफ ही पूरा नहीं है, चार लोगों के पास ही सारा कुछ है, टेंडर वही इशू कर रहे हैं, टेंडर वही निकाल रहे हैं, डीटीपी भी वही है एससी, तो कहाँ से कपले रुकेंगे? जो जैसे हम आरटीए वो इकट्ठे हो गए, जो जनता समस्या से परेशान है, जैसे प्रॉपर्टी आईडी हो गई है, सफाई व्यवस्था हो गई है, ठीक है, अवैध अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज, ये इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से जो नगर निगम है उसे चेताना चाहते हैं कि आप ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हो इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान हो गई है। और इसके लिए जो है हम चाह रहे हैं कि ये सुधर जाए, नहीं तो आने वाले दिन में जो है भारतीय किसान यूनियन जो है वो ताले लगाने का काम करेगा। ये एक सांकेतिक धरना है ताकि ये लोग जो है समझ जाएं और भ्रष्टाचार जो नगर निगम में फैला हुआ है उसे बिल्कुल जीरो किया जाए। भाई साहब, ऐसा है, बहुत से समस्याएं हैं, जैसे प्रॉपर्टी आईडी के बारे में बताऊं तो याशी कंसल्टेंसी जो है इन्होंने जो सर्वे किया, उन्होंने लोगों के दिमाग में जो है इतनी परेशानी भर दी कि हर बंदा जो है वो परेशान हो गया जब उसने देखा कि मैं वीरेन सपरा, मेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो जो है राहुल बान के नाम चढ़ी हुई है, तो वो एकदम भागता हुआ यहाँ पे आता है। तो मतलब ये एक ये चीज होगी। दूसरा हो गया अवैध कब्जे जो कराए हैं, अवैध कब्जों की शिकायत जो है उसके लिए लेके जाते हैं, कोई जनता समस्या लेके जाती है तो ये जो है उन कब्जे वालों का साथ देते हैं, ठीक है। तीसरा जो है अनअप्रूव्ड कॉलोनीज है जहाँ पे इन्होंने सड़कें बना दी, वैसे कहते हैं कि यहाँ भी अनअप्रूव्ड एरिया में हम कोई सड़कें नहीं बना सकते, इतने सबूत है जहाँ पे इन्होंने ये काम किया हुआ है। तो जनता जो परेशान है, जनता इस टाइम इतनी हाहाकार मची हुई है कि वो चाह रही है कि हम जो है हम अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इन समस्याओं से निजात दिलवाएं और आगे आने वाली जो भी समस्याएं हैं जो नगर निगम हमारे सामने जानबूझकर ला रहा है उन्हें एक चेताने का काम करें कि अभी अब ये और नहीं चलेगा।